जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब जावेद। स्कूल ऑफ इनेबलर्स सरगोधा कैंपस कल कल्चरल फेस्टिवल प्रो जुमा को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अरेंज कर रहा है, जिसमें स्कूल ऑफ इनेबलर्स के बच्चे डिफरेंट सूबों को, डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे यहाँ पर। और आप सबको बता रहे होंगे कि कौन सा सूबा, उसका क्या कल्चर है, उसका पहनावा क्या है, उसका खाने के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे यहाँ पर कर रहे होंगे, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम आप सबको इनवाइट करते हैं, आप सब यहाँ पर आएँ और देखें कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तरबिया पर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। आप पेरेंट्स हैं हमारे स्कूल में, आपके बच्चे पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते, आप यहाँ पर आएँ, देखें और बच्चों की हौसला अफजाई करें, जो कि डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिन्होंने फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगाए होंगे, जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी होगी, उन तमाम को यहाँ पर आकर आप हौसला अफजाई करें उनकी, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, उनके पीछे खड़े हों, ताकि उनके पता हो कि जी हमारे जो बड़े हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। हम कभी अगर अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ करते हैं, तो हमारे बड़े हमेशा हमारे साथ खड़े और हमें आगे बढ़ने की तलकीन करते हैं। तो आप सब यहाँ पर आएँ, देखें, इंजॉय करें और फ़न करें यहाँ पर बच्चों के साथ। और बच्चों को मज़ीद आगे बढ़ने के लिए उनके साथ खड़ा होना बड़ों का बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम सब आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप तमाम लोग यहाँ पर आएँ 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। एक बड़ा फ़न यहाँ पर किया जाएगा, डिफरेंट कल्चर्स आपको दिखाए जाएंगे, बच्चे जो होंगे वो रैंप वॉक यहाँ पर करेंगे, और बाकी कल्चर्स में भी जो चीज़ें होती हैं, बाकी सूबों में भी जो चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली यहाँ पर की जा रही होंगी। तो ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, और ख़ुद अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो किसी एक्टिविटी में, कोई कल्चर अगर आप यहाँ पर शो करना चाह रहे हो, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ यहाँ पर करें, और हम सब के साथ मिलकर इन चीज़ों में मज़ीद काम करें, ताकि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों को भी बताया जा सके, उनको अवेयरनेस दी जा सके। सो थैंक यू सो मच।